हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है संचय और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अमेज़ॉन पे प्रोडक्ट लिस्टिंग कैसे करते हैं। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, सेलर रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको सेलर पैनल पे एक्सेस प्रोवाइड हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपको क्या लेना है कि आपको अपने प्रोडक्ट लिस्ट करने हैं। तो प्रोडक्ट लिस्ट करने के लिए सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी होगी, आपको यहाँ इन्वेंट्री पर जाना होगा। इन्वेंट्री में आपको यहाँ पर दो ऑप्शन मिलेंगे, देखिए ऐड अ प्रोडक्ट और ऐड प्रोडक्ट्स बाय अपलोड। अब देखिए किसी भी वेबसाइट पर आप जाएंगे अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए, वहाँ पे दो ऑप्शंस मिलेंगे। एक होता है सिंगल लिस्टिंग, जिसमें आप अपने प्रोडक्ट को इंडिविजुअली एक एक करके लिस्ट कर पाएंगे, और एक होता है बल्क लिस्टिंग, जिसमें आपको अपने प्रोडक्ट्स की फुल इंफॉर्मेशन के साथ एक डेटा फाइल बनानी होगी, जिसको फिर आपको अपलोड करेंगे और तब जाके आपके प्रोडक्ट्स लिस्ट हो पाएंगे। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ इंडिविजुअल लिस्टिंग की बात करेंगे, क्योंकि बल्क लिस्टिंग एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है और उसमें प्रोडक्ट की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन लिखनी होती है। इसलिए मैं उस पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं आपको बल्क लिस्टिंग के बारे में अलग से बताऊंगा। तो जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, हम ऐड अ प्रोडक्ट पर क्लिक करेंगे। ऐड अ प्रोडक्ट पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर हमें एक सर्च बार मिलेगा, जिसमें हम प्रोडक्ट का नाम लिख के उसको सर्च कर सकते हैं। और अगर वो प्रोडक्ट जो है वो अमेज़ॉन की कैटलॉग में है, तो वो हमें अमेज़ॉन की कैटलॉग में ऑलरेडी लिस्टेड मिलेगा। और अगर आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो कि यूनिक है, कैटलॉग में नहीं मिलेगा आपको, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रिएट अ न्यू प्रोडक्ट लिस्टिंग करके एक ऑप्शन मिलेगा आपको। आप उसमें जाके वो प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, जैसे कि मैं यहाँ पर एक प्रोडक्ट लिस्ट करता हूँ, तो जैसे कि हम लेते हैं मेंस वॉलेट। देखिए मेंस वॉलेट को सर्च करते ही यहाँ पर आपको बहुत सारे लिस्टिंग्स मिल जाएंगे, जो कि ऑलरेडी आप देख सकते हैं। अगर इनमें से कोई भी प्रोडक्ट है जो आपके पास ऑलरेडी है सेम टू सेम, तो आप उसको यहाँ पे लिस्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि हमें ये प्रोडक्ट लिस्ट करना है, तो हम इसमें यहाँ देखिए लिस्टिंग लिमिटेशन अप्लाई में जाएंगे, वहाँ पर आपको मिलेगा न्यू कंडीशन और कलेक्टेबल रिफर्बिश्ड और यूज्ड कंडीशंस में दो ऑप्शन मिलेंगे आपको यहाँ पे। न्यू कंडीशन में अगर आपके पास यही प्रोडक्ट अवेलेबल है, तो आप उसको यहाँ पे लिस्ट कर सकते हैं सेल योर्स पे क्लिक करके। सेल योर्स पे क्लिक करने के बाद हम इस पेज पे आ जाएंगे। इस पेज पे देखिए काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे मिलेगी आपको सेलर SKU। सेलर SKU एक प्रोडक्ट के लिए यूनिक कोड होता है। अगर आपके पास आपकी डेटा फाइल में अभी तक आपने कोई यूनिक कोड कॉलम नहीं बनाया, तो आप बना लीजिए। तो जैसे कि यहाँ पे हम वॉलेट है, तो वॉलेट, इस वॉलेट के लिए हम एक कोड रख देते हैं वॉलेट 01। तो अब हम कोई और भी वॉलेट अगर लिस्ट करेंगे, तो हम उसके लिए ये कोड नहीं यूज़ कर पाएंगे। उसके बाद देखिए कंडीशन में न्यू सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए योर प्राइस में आपका प्राइस जो है वो फिक्स प्राइस होगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ मैं देख लेता हूँ कि ये इस प्रोडक्ट का प्राइस क्या है। तो देखिए यहाँ पर आपको दिख जाएगा 126 रुपीज़ इंक्लूडिंग GST। तो योर प्राइस में आप जो भी प्राइस डालेंगे वो आपको यहाँ पर आएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सोल्ड बाय, सोल्ड बाय में आपका यहाँ पर आपका नाम आएगा। तो देखिए इस वॉलेट का प्राइस है 126 रुपीज़। तो जाहिर सी बात है कि हम उससे ऊपर तो अपना प्राइस रख नहीं पाएंगे, क्योंकि वो ऊपर रखेंगे तो सेल नहीं होगा और उससे हमें नीचे ही रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम उसको रख देते हैं 100 रुपीज़। मैक्सिमम रिटेल प्राइस में भी हम डाल देंगे 100 रुपीज़। प्राइस डालने के बाद हम आ जाते हैं फुलफिलमेंट चैनल पर। अब देखिए अमेज़ॉन के दो फुलफिलमेंट चैनल्स होते हैं, एक होता है कि सेल्फ शिप, एक होता है इजी शिप। सेल्फ शिप में क्या होता है कि आपको अपना जो प्रोडक्ट है वो खुद ही आपको अपने कस्टमर तक शिप करना होगा। और इजी शिप में क्या होता है, जो कि आपका यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है, अमेज़ॉन की जो डिलीवरी सर्विस होती है वो आपका प्रोडक्ट पिकअप करने आएगी जब भी आपको ऑर्डर आएगा, और वो सर्विस के थ्रू आपको और वो सर्विस के थ्रू जो आपका प्रोडक्ट है वो आपके कस्टमर तक पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे
इजी शिप जो कि हमारा सेकंड ऑप्शन है। तो उसके बाद आप देख सकते हैं एक यहाँ पर एडवांस्ड व्यू करके ऑप्शन मिलेगा आपको। जब आप एडवांस्ड व्यू पे क्लिक कर देंगे तो आपको बहुत सारे यहाँ पे नीचे ऑप्शंस खुल जाएंगे। प्राइस लिखने के बाद यहाँ पर आपका नेक्स्ट ऑप्शन आता है कंडीशन नोट। इसमें आप लिख सकते हैं कि आपकी सेलिंग कंडीशंस क्या हैं। तो इसमें जैसे कि हम लिख सकते हैं नो एक्सेसरीज इंक्लूडेड एंड गारंटीड प्रोडक्ट। तो ये जो हमने दो कंडीशंस लिखी हैं, ये जब कस्टमर खरीदेगा हमारा प्रोडक्ट तो उसको ये दिखाई देंगी कंडीशंस। तो नेक्स्ट आता है सेल प्राइस। सेल प्राइस में क्या होता है कि सेल प्राइस जो है आपका, वो आपका डिस्काउंटेड प्राइस होता है। अगर आपको अपने इस प्रोडक्ट पर डिस्काउंट देना है तो आप अपने नॉर्मल प्राइस से कुछ कम करके प्राइस इसमें लिख सकते हैं, जैसे कि 90 रुपीज़ या 80 रुपीज़ हमारे केस में, क्योंकि हमने यहाँ पर 100 रुपीज़ लिखा है। सेल स्टार्ट डेट में आप ये लिखेंगे कि ये जो आपकी सेल है वो कब स्टार्ट होगी। तो जैसे कि हमने यहाँ पे 19 जून लिखा है, और अगर आपको ये सेल जो है अपने प्रोडक्ट पर 10 डेज चलानी है तो आप यहाँ पे 29th जैसे हमने लिख दिया है, तो 19 से लेकर 29 तक इस प्रोडक्ट पे सेल प्राइस जो है वो दिखाई देगा। उसके बाद आता है हमारा हैंडलिंग टाइम। हैंडलिंग टाइम का मतलब ये होता है कि कितने टाइम में आप ये अपना प्रोडक्ट जो है शिप कर पाएंगे। कि मैं यहाँ लिख देता हूँ 4 डेज़। तो 4 डेज़ के अंदर अंदर मुझे ये अपना प्रोडक्ट जो है शिप करना होगा। अगर मैं 4 डेज़ से ज़्यादा ले लेता हूँ तो मेरे पे पेनल्टी लग सकती है। तो नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट टैक्स कोड। तो जो भी आपका प्रोडक्ट होगा उसके हिसाब से जो भी यहाँ पे रेलेवेंट प्रोडक्ट टैक्स कोड होगा आप वो डाल देंगे। इस केस में जैसे हमारा वॉलेट है तो वॉलेट के हिसाब से यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट टैक्स कोड होगा मैं वो डाल दूंगा। लेकिन अभी के लिए अभी हम स्टैंडर्ड डाल देंगे क्योंकि मोस्टली प्रोडक्ट्स पे वही लगता है। यहाँ पर आप देखिए उसके बाद आएगा रीस्टॉक डेट। रीस्टॉक डेट का मतलब ये होता है कि जब आपका प्रोडक्ट ख़त्म हो गया है और आपको लगता है कि 10 डेज़ के अंदर अंदर आपके पास नया स्टॉक आ जाएगा तो आप यहाँ पे 10 डेज़ बाद की डेट डाल देंगे। जैसे कि 10 डेज़ के बाद अगर हम यहाँ पे डालें 29th, तो इसका मतलब ये होगा कि 29th के बाद हमारे पास जो ये स्टॉक है ये अपने आप अपडेट हो जाएगा इस प्रोडक्ट पे, हमें मैन्युअली अपडेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रीस्टॉक डेट के बाद आता है मैक्स ऑर्डर क्वांटिटी। मैक्स ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब ये है कि एक बारी में जो आपका कस्टमर है वो कितने ऑर्डर्स प्लेस कर सकता है। तो यहाँ पर जनरली लिख देंगे 1। और अगर आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो कि जो आपका कस्टमर है वो एक से ज़्यादा भी ऑर्डर कर सकता है तो आप उसके हिसाब से लिख सकते हैं 2 या 3। उसके बाद आता है गिफ्ट रैप अवेलेबल। तो उसमें भी अगर आप अपना प्रोडक्ट जो है वो गिफ्ट रैप करके दे रहे हैं तो आप यहाँ पे यस कर देंगे। उसके बाद आता है HSN कोड जो कि आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद आता है स्टार्ट सेलिंग डेट। स्टार्ट सेलिंग डेट में वो डेट लिखनी है आपको जब आपका प्रोडक्ट जिस दिन लाइव होगा उस हिसाब से आपको वो प्रोडक्ट की स्टार्ट सेलिंग डेट यहाँ पे लिखनी होगी। उसके बाद आता है देखिए मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो कि हम ऑलरेडी 100 रुपीज़ लिख चुके हैं। उसके बाद आता है फुलफिलमेंट चैनल जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ जिसका मतलब। तो आप देख लीजिए क्या, अगर अगर आप अपना प्रोडक्ट जो है वो खुद शिप करना चाहते हैं तो आप फर्स्ट ऑप्शन चूज करेंगे जो कि है आई विल शिप दिस आइटम माई सेल्फ। अगर आप चाहते हैं कि अमेजोन की डिलीवरी सर्विस आके आपका प्रोडक्ट पिक करे और डिलीवर करे तो आप सेकेंड ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए। फुलफिलमेंट चैनल सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सेव एंड फिनिश का ऑप्शन है, वो आप क्लिक कर देंगे। सेव एंड फिनिश करने के बाद आप जब दोबारा इन्वेंट्री में जाएंगे तो आपका यहाँ पर जो अभी आपने प्रोडक्ट लिस्ट किया है वो यहाँ पर शो हो जाएगा थोड़ी देर बाद, और इसी के साथ पूरी प्रोसेस आपकी लिस्टिंग की कंप्लीट हो जाएगी। तो इसी तरीके से आपको अपने सारे प्रोडक्ट्स लिस्ट करने होंगे, उनकी सारी डिटेल जो हैं वो बिल्कुल ही स्पेसिफिक तरीके से आपको फिल करनी होंगी। तो
इस वीडियो को मैं यहीं पे फिनिश करता हूँ। अगर आपको लिस्टिंग प्रोसेस के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम को पूरी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करूँगा आपके लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आप ई कॉमर्स के बारे में और इन्फॉर्मेशन जान पाएँ मेरे वीडियोज़ के थ्रू, और आप अपना बिजनेस जो है वो अच्छी तरीके से कर पाएँ। तो थैंक यू।